सुनो तब तो हम लोग को जो सीनियर है ना भाई, बहुत प्रैक्टिकल लिखवाने के लिए दे रहा है भाई, टेल के प्रैक्टिकल लिखवा रहा है भाई, क्या करे बताओ। हमरो लगाओ भाई कि गलत जगह आ गए, पूरा 18 लाख भितरा गए भाई, खाली हमने सब प्रैक्टिकल लिखवाओ भाई, हाथ तरह दे रहा है भाई पूरा ना, हमने के लिखते लिखते हाथ तरह देते हो भाई पूरा सुतल हो, देखिए एकरा। अरे डीजी बा कोची कर नहीं, अरे तू तू ना लिख रही है रे प्रैक्टिकल कॉपी, सीनियर के साथ सेटिंग वेटिंग का कर रही है रे। लिखना अपन अपन काम कर समझ ले, हमारा इधर से कोई मतलब ना, सब लिखो के धर दे सब सीनियर सब के। अब खाली एक चलते खाली काम देखवे देखना खाली बाबा बड़ लक्ष्मी के पूजा चल, जो जो काम कर। कौन हो तू रे? हो तू कौन? सीनियर हो तू भाई, अब कौन हो तू? ले पहले तो प्रैक्टिकल बना वाला दे दल को इतना उग्रम ले रहा लोहा, अब तो रूम में मांग ले वाला बता का कर बा। अब तीनों तेल लगा वा आओ फिर रेडी हो जा सब मरवा वाला। उठा उठना सीनियर आ गया, आपका हुआ अच्छा मम्मा तू का जीता है, तुम हमको ही मरवाओगे साला, इधर जिंदगी भी ठीक से नहीं जीने देगा, तो आप रे हम मूड में हलूक साला, हम लोग 18 लाख से डूब गया भाई, गलत कॉलेज में एकदम आ गए, बाकी सब सीनियर जीना दुश्वार कर दिया है। कुछ लिख लो भाई कुछ लिख, हां वहां से का पूछते हमर तो ऐसे सीनियर के नाम जुड़ के साथ कर भाई, इधर मैं जिए देता हूं ना मरे देता हूं, मैं मूड में लड़ लूं सब सब। कौन तो माई के सगर पाला पे लोग खुल रहे, इतना लेट लगे बाबू रे, खड़ा हो तो देखते है कैसे एकदम बैठ के एकदम रही सी, सीनियर आए जो कोई संस्कार है ना उनका चीज नहीं, बाल वो इसी बढ़ा के रखा। अरे ये सब खड़ा होने का तरीका है, अभी तक तुम लोग को ये भी नहीं पता कि खड़ा कैसे हुआ जाता है। चल बबरे अरे डोमिनल पोजीशन में खड़ा हो तो रे। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है नहीं पता सीनियर। अरे तुम लोग का एनाटॉमी का क्लास चल रहा है कि नहीं रे? दो दिन है कॉलेज आया हुआ, अभी तक तुम लोग को यही नहीं पता कि एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, क्या पढ़ता लिखता है रे? इसे लगा सब बकलो ले लखने रे। लगे तो हां बताएं इसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन बताएं। सुन लो बाबू जैसे बता रहे हैं उसके बाद उसी को फॉलो करना है। कल पूछेंगे, कल पूछेंगे और अभी खड़ा भी तो होना होगा ना, अभी सेम टू सेम वही पोजीशन में खड़ा होगा बता देने के बाद। जी सर। सबसे पहले क्या होना है, स्टैंड स्ट्रेट विथ योर आईज लुकिंग फॉरवर्ड, सबसे पहला स्टेप है। फिर क्या हो जाएगा, योर हैंड शुड बी हैंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड बोथ फीट टुगेदर एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, समझ गए कैसे खड़ा होना है? ऐसे देख सीख पड़ी, देखो खड़ा हो। अरे हमारा देख के खड़ा होना रे, कैसे खड़ा होने बोले, इंग्लिश में बुझाता है कि नहीं बुझाता है? सब सर गवारे हैं, टेबल पे पेन रखा ही, पढ़ाकू के झाट तो ना डोंकल पोजीशन नहीं बुझा रहा है, अब पेन लेके खड़ा है। आई लूला है तू, वैसी हम बताए वैसी था हाथ मेरा, और आइस कहां था हम पर देख तो रहे। अरे सॉरी हम लोग आंख मिलाओ, देख आंख दिखाता है मादर साला, ये सब लेकिन साला फिर आंख मिलाता है। आंख नीचे कर, आंख नीचे कर, आंख नीचे रखो या फिर बाबू रे। ए पिलाटी सर। जी सीनियर। के रोटी खाते हो? दो सीनियर। शरीर देखे तो नहीं लगता है। मेडिकल कॉलेज का रूल रेगुलेशन पता है? नहीं सीनियर। तूने दोनों करे? नहीं सीनियर। कोई भात भाई भाई नहीं पढ़ता है? नहीं सीनियर। अगल बगल? नहीं सीनियर। नहीं सीनियर। अच्छा एलपीपीआई सबके मेडिकल कॉलेज रेगुलेशन बताई सबके काय को लेकर इतनी सर खाची करे और अग्री कुछ आते पता नहीं है। सुनो बाबू सबसे पहला रूल क्या है, सीनियर को सीनियर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? बॉस, कहीं भी दिखे बॉस। दूसरा
सीनियर गर्ल जो होगी उसको तुमको नजर तो मिलाना ही नहीं, जब भी देखना पैर पे देखना है, अगर वो खुद से भी बोले तुमको नहीं बोलना है, मां समान होगी एकदम, मां समान होगी एकदम, किसी को देखना ही नहीं है ना बोलना है, हाँ ना बोलोगे? जी बॉस। सीनियर को जाना तो वो वहां पीस करोगे, वहां एकदम झुक के पीस करेगा। अच्छा अंशु बताइए, लोगों कैसे पीस करेगा, थोड़ा ये बार देखेगा ते बार पीस करेगा, ये नहीं कि दिन में एक बार पीस कर दिए फिर भुला गए, जितना बार गुजरेगा उतना बार पीस करेगा। जी बॉस, यहां कोई ड्यूटी ना देवे लगी भोरे पीस कर दिए तो शाम तक चल रहा है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है ना वो तो ये है बाबू कि आपको जिंदगी में भूल के बम पिलाना सीनियर से, अगर नजर से नजर मिल गया तो समझो कि तुम्हारा उस दिन कल्याण है, उस दिन तो है ही है, जब तक कॉलेज में हो तब तक कल्याण होगा, तो आप तो मिलना ही नहीं चाहिए, जब भी रहेगा आप एकदम तीसरा बटन पे रहेगा अपना, आप भूल के भी नहीं मिलना चाहिए, क्या समझ में आया? जी जी बस। एगो देखो हर्षला, इसका देखो बाल और दाढ़ी, हीरो बने लो यहाँ पढ़े ना लो, और डॉक्टर बनने ना लो, हीरो का ऑडिशन दे तो फ्रेम बाबू रे आई फ्रेम देखे थे, हीरो वाला फ्रेम लगावा, एकरा देखी छोटका मोटका के भूसरी वाला का बाल देखते हैं, या दाढ़ी, दाढ़ी ना है लेकिन स्टाइल देखो करो में से, एकरा एकर बाल तो ठीक हो लेकिन दाढ़ी दे उगता नहीं है लेकिन स्टाइल मारना है साले को, ये सब हमको भी लग रहा है। अब सुनो या तुमको लड़का बोलेगा कि हबीब में चल जाओ इधर चल जाओ, कुछ नहीं हबीब तबीब नहीं, यहाँ आवेगा अपना ठाकुर, अब तुम्हारा बाल सीधे दुनिया सबका बाल काटे ठाकुर, एकदम अच्छे से करवाना है बाल, हम लोग का बोला हुआ है, वो आके तुम्हारा बाल काटेगा, यहाँ 10 रुपए लेगा, जो पैसा लेगा वो देगा, तुम बोलोगे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तुम्हारा बाल पूरा काटेगा वो, और जैसे बाल काटेगा वैसे ही बाल दाढ़ी पूरा क्लीन से होगा, बाल तुम्हारा वो खुद से काट देगा, वो तुम्हारे जितना दिन तक फ्रेशर जब तक नहीं होता तब तक तुम लोग वही चलेगा। अरे लड़का लाटा है, अरे नजर मिलाते है, आंख मिलाता है, अभी तुमको माना क्या आंख मिला, तुमको कुछ रूल नहीं फॉलो करना, कुछ नहीं बोलता है, सॉरी सीनियर, सॉरी सीनियर, फिर सीनियर, फिर सीनियर, मुर्गा बना देंगे, अभी नियम क्या बताया तुमको, मुर्गा बनेगा वो, मुर्गा चुड़ी ना मेढक बना के साले को कूदवाते हैं बाहर पूरा बरामदा में, पूरा कॉरिडोर घूमेगा पूरा कैंपस में मेढक घूमता है, अरे मुर्गा बनेगा, हंसी चापे तो बेटा हंसी आते हुए का देख मुर्गी वाला कैसे देखे 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 मुर्गा बना हुआ है, और मेढक बना के कूदवाओ बन चुके कॉरिडोर में, ऐसे नहीं सुनेगा इन लोग सबके सब, मुर्गा तो कूद जाएगा रे, मुर्गा बनता है नहीं कूदना, पर तोरा दो कूद तू ना दे धार से, तू भैया कॉरिडोर चल गेलो अपना कॉरिडोर खत्म, सोच लो अरे आंचुए पर चढ़ जाएंगे तो आंचू के का होगा हमको, तो ये सोच चल रे बाबू, सब इंट्रो दो तो पहले लाइन से देगा, पहले नाम बताएगा फिर पता बताएगा फिर एम बताएगा फिर हॉबी बताएगा, सीक्वेंस भी गड़बड़ाना नहीं चाहिए, पहले नाम पता क्या बोले थे एम एम और फिर हॉबी, ऐसा समझा तुम हिंदी में बताएगा, कैसे बताएगा सुधेंद्री में, सुधेंद्री में हिंदी ब्लैक सर, जी जी बॉस इंग्लिश में बताएगा तुम, कोची में बताएगा रे इंग्लिश में, सुधी इंग्लिश में आई ये अच्छे में बताएगा, ये भोजपुरी में और ये चीज सकवा वाला, सकवा वाला शुद्ध भोजपुरी में बोलोगे, तो पहला से शुरू हो जाओ, पहला नंबर से नाम धीरज कुमार, अरे नाम धीरज कुमार के कर नाम धीरज कुमार, फिर देखता ये समझाइया जो फिर आंख मिलाता है यार, इन लोग लगता है नीचे का रात भर मेढक बन के घुमाना पड़ेगा, नीचे करके बोलेगा इंट्रो, और नाम धीरज कुमार के कर नाम धीरज कुमार, चेहरा पे लिखा लगा रहा हम के कि चेहरा पे देख के बोल भाई, मैं जी बस मेरा नाम धीरज कुमार, बस धीरज कुमार है वो कुछ नहीं, क्या भी कुछ नहीं, बस मेरा नाम धीरज कुमार, ये क्या कैसा इंट्रोडक्शन है भाई, मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं हिलसा के निवासी रहने, मैं हिलसा के रहने वाला हूँ, जिला नालंदा के रहने वाला हूँ, पास हो जाएगा जी, बोलता पता मैं हिंसा कर रहने वाला, ये कैसा इंट्रोडक्शन है भाई, अपना पता भी नहीं बताने आ रहा है इसको, MI स्पेशलिस्ट, MI स्पेशलिस्ट, तुमको हम क्या बोला थे अंशु जी, क्या बोले थे आपको हिंदी में ना बोले बोले थे जी, एम में हिंदी में क्या कहते हैं, एम लक्ष्य, तो ऐसे बोलो मेरा लक्ष्य, क्या बोलेगा मेरा लक्ष्य, और आई स्पेशलिस्ट क्या होता है, कहां से पढ़ के आया है, आई स्पेशलिस्ट को हिंदी में बोलो क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में बोलना है पूरा, तुम इंग्लिश कहां से यूज कर रहा है उसको, क्या बोलेंगे नहीं जानते बस, नेत्र विशेषज्ञ, बोल फिर से नेत्र विशेषज्ञ, तो क्या बनना चाहता है तू, नेत्र विशेषज्ञ, पूरा बोल लक्ष्य, मेरा लक्ष्य नेत्र विशेषज्ञ, मेरा लक्ष्य नेत्र, फिर गलत बोलता है, मेरा लक्ष्य क्या बनना है, नेत्र विशेषज्ञ का मतलब बनना चाहूं बेटा, देखते हैं आंख अपने भीतर आए इसका, टीचर सोच रहा है कि हम अपने से नेत्र विशेषज्ञ बने, अपना इलाज अपने कर ले, सब पैसा बचा ले, दूसरा से तो लूट खसोड़ के फेले करेगा, हाँ रे यही सोच रहा है,
यही सोच रहे? नहीं बॉस। अच्छा अच्छा आगे ना आगे पहले इसे पूछ लो इसका चौथा चीज छोटा क्या है? हॉबी। फिर बोलता है हॉबी। हॉबी भी इंग्लिश में तुमको बोलने बोले हम तो क्या मैं बोले तुमको बोले हिंदी क्या होता है? रुचि। क्या होता है? रुचि। कुछ और मत समझना ना, रुचि से वो सब हट जाएगा ना तो कुछ और हो जाएगा, उधर नहीं जाना है, ध्यान मत भटका। क्या होता है? अरे तू हंसता है ये लड़का, अरे मुटका नहीं नहीं, ये उम्र से ज्यादा समझदार है, ज्यादा समझदार है ना। ये देखो ये छोटका के देखो, अरे बाप रे बाप, देखिए कैसे हंसिया चापले है साला, ये रे अरे रे हंसता, अरे रे हंसता है, ये हंसता है, देखे सर देखो कितना कंट्रोल कर, देखो ना मुटका का मुंह देखो कितना कंट्रोल कर रहे, देखो तू रे ये तो ठीक है, तेरे हंस रहा है साला, ये भी हंस रहा है, उसका चूल देखो ना चूल, बाप रे इसे हीरो बने रे, मेडिकल ना कर तो इसे हीरो बनता, सब बाल हो जाएगा बाबू रे 5 साल। अरे रुचिया बता भी ना तो बाबू, रुचिया बताओ जी। बस ट्रेवलर। ट्रेवलर ट्रेवलर कहाँ हुआ ये? हिंदी में तुमको बोला, क्या मैं बोला बाबू? हिंदी, शुद्ध हिंदी में। तो ट्रेवलर का हिंदी क्या होता है? नहीं जानते बस। घूमने का शौक रखता हूँ। घूमने का शौक। अंशु को बोलो क्या रखते हो? घूमने का शौक। क्या घूमने का शौक? मैं घूमने का शौक रखता हूँ। घूमने का शौक रखता हूँ। कहाँ घूमेगा रे? कहाँ घूमने जाएगा बाबू? जी आस पड़ोस में। अरे मेडिकल तुम करने आगे घूमने आ रहे? मेडिकल करने आ रहे बाबू जी? 18 लाख रूपये मेडिकल करने के लिए देंगे, घूमने के लिए? हाँ बाबू, इतना घूमने का शौक करता हो ये बताओ लच्छीपुर गए हो? जी ना बॉस। लच्छीपुर का नाम नहीं सुने हो? जी ना बॉस। हाँ समझाओ बाबू ना, अभी अभी घड़े के काटा 6 से 12 नहीं जा रहा है, 6 से 12 नहीं जाता है ना, लच्छीपुर नहीं गया, इधरे उधरे खाली भटक रहा लेगा। लेकिन जानना तो अजॉब मारे इसको, ऐसे दिक्कत नहीं। चल बाबू तुम इंट्रो दो इंग्लिश में।